नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? मैं आपका अपना अमित पंघाल आपके पंघाल फिटनेस पे। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है जो वो भाई जो नए बिगनर भाई हैं जो वर्कआउट करते हैं वो हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं, क्या सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बन सकती? सप्लीमेंट खाएंगे तभी बॉडी बनेगी? ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, पहली बात। दूसरी बात, सप्लीमेंट है क्या? वो न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को चाहिए जब आप वर्कआउट करते हैं, वो आप अपनी डाइट से भी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और जो भाई मेरे बिल्कुल पतले हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके साथ है जो बिल्कुल पतले हैं, जो निराश रहते हैं कि हम बिल्कुल पतले हैं तो क्या हमारी बॉडी बनेगी? भाई बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी, ठीक है ना। अभी नेचुरली मैं आपको बताऊँगा आपको वेट गेन में क्या खाना है। जो सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके घर वाले अलाउड नहीं करते, वो भाई ये जो बताऊँगा वो खा लेना, ठीक है। घर की चीज़ों से ही बनेगा, नेचुरली वेट गेन होगा, ठीक है ना। और कई मेरे भाई कहते हैं, आपने ना एक वीडियो में बोला था कि जो गेनर होता है वेस्टेज मनी होता है, मतलब वो पैसा बर्बाद होता है, और जो प्रोटीन होता है सही होता है, क्यों? क्योंकि आपने इसको पहले देखा था, ठीक है। अभी अच्छा है, लेकिन पहले ये बिल्कुल सिंगल हड्डी था, जिसे बोलते हैं सिंगल हड्डी, ठीक है। तो जब इंसान बिल्कुल पतला है, अगर वो प्रोटीन खाएगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, आप इस चीज़ को समझिए। उसे कार्ब्स की ज़्यादा ज़रूरत है, उसे कैलरीज इंटेक ज़्यादा करनी है, ठीक है ना। तो जो बिल्कुल पतले हैं उनके लिए गेनर चलता है। ये चीज़ पैसे पे भी डिपेंड करती है और आपकी बॉडी पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि आपको कैलरीज ज़्यादा लेनी है। क्योंकि जो बिल्कुल पतले हैं उनका ना निराशा से दिल टूट जाता है कि हमारा तो जिम असर ही नहीं करता, हम कुछ भी खा ले हमारा असर ही नहीं करता, ऐसा नहीं होता। अब अगर अब ये गेनर खाएगा तो इसके लिए काम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब इसे मसल बनाने है। कैसा बनना भाई? अब एक नंबर भाई, अब तगड़े मसल बनाने तो पूरी शार्प कर देनी है। तो अब इसकी भाई, आपने जो मेरे व्लॉग्स देखता है पंघाल व्लॉग्स, उसे पता है अब इसका प्रोटीन स्टार्ट हो चुका है, अभी प्रोटीन खा रहा है। तो डिपेंड करता है आपका वेट कितना, आपकी हाइट कितनी, आप लंबे और बिल्कुल पतले हो तो भाई गेनर ही बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। और गेनर भी के पैसे नहीं है, गेनर नहीं खाना चाहते तो मैं जो बताऊंगा वो यूज़ कर लेना। और दूसरी बात, कई मेरे भाई कहते हैं कि भाई हम प्रोटीन नहीं ले सकते, हमारे मसल अच्छे हैं, हम और अच्छे मसल बनाने, अंकुरित चने, सोयाबीन, ठीक है, आपकी उबली दाल, आपके राजमा, मतलब इनमें बहुत प्रोटीन, आप इनको पूरा कर सकते हैं अपनी डाइट के लिए, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। क्योंकि बिना मेहनत करें हम बोलते नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता। पहले मेहनत करें फिर आप रिजल्ट देखें, बिना मेहनत करें ना बोले नहीं हो रहा किसी भी काम में, ठीक है दोस्तों। और एक और बात, तो थोड़े क्वेश्चन के आपके आंसर मैं कर रहा हूँ, उसके बाद वीडियो आपको बताएंगे क्या है जो आपको वेट गेन में चीज़ें यूज़ करनी है, घर वाली चीज़ें, ठीक है। कई मेरे भाई कहते हैं कि भाई हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपने की है, तो दोस्तों मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हमेशा पुरानी कितनी वीडियोज़ मेरी खोल के देख लेना आप, हम वो गोताखोर हैं जो सारा समुंदर तैर के यहाँ खड़े हैं, हम वो शराबी हैं जो पूरा ठेका पी के यहाँ बैठे हैं। एक शराब की बोतल नहीं, मतलब समझाने का तरीका, मैंने अपनी ज़िंदगी में पी नहीं वैसे, एक समझाने का तरीका है, आपका ट्रेन, आपका टेस्ट प्रोपनेट, आपका HGH, आपका IGF, आपका MGF, आपका GHRP6, आपका CJC और आपका मैग्नो ग्रोथ फैक्टर, मतलब यार हम हर चीज़ में से निकल के यहाँ पहुँचे हैं। आप इस चीज़ को समझिए, जो चीज़ गलत है ना मैं वो आपको मना करता हूँ, और मर्जी आपकी है, ठीक है ना। आप सब इतना प्यार करते हैं इसलिए मना करता हूँ मैं आप सबको, मैं उन सारी चीज़ों में से यहाँ हूँ, ठीक है दोस्तों। और मर्जी आपकी, आप मेरे भाई हैं तो ऐसे ही लाइफ में मतलब खुश रहें, और जो पतले हैं वो बिल्कुल निराश ना हो ज़िंदगी से, हम करेंगे, हमसे होगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो अब चलते हैं किचन में। और एक और बात, जो पतले उन्हें काब्स ज़्यादा खाने हैं, काब्स मतलब आपके चावल, आपके उबले आलू दही के साथ, ठीक है, शक्कर होती है ना घर में, शक्कर घी डाल के, मतलब निराश नहीं होना, काब्स खाने हैं, अपना केला आपकी, ठीक है, पीनट बटर हो गया आपका, अच्छी तरह पीनट बटर खा लेना, और बनाना शेक बना लेना घर में, और एक आपका शेक भाई बना रहा है वो देख लेना, जो इसके लिए बनाते थे हम, ये बहुत पीता है उसे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आइए। तो दोस्तों अब आगे किचन में, तो जो जो मेरे भाई पतले हैं ना उनको डाइट में राइस खाने हैं उबले आलू दही के साथ, जब वो वर्कआउट करने जाते हैं उससे पहले। अब वर्कआउट करके आते हैं, उसके बाद अगर पैसे नहीं है आपके पास गेनर के सप्लीमेंट के, तब आप दो केले,
एक अपना पीनट बटर दिशानो वाला, एक गिलास दूध, ठीक है, और एक अपना मिक्सर। भाई एक बात कहना चाहता हूँ, अपना अगारो का मिक्सर। हाँ क्या भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस भाई के पास मिक्सर ही ना वो क्या करेगा। बात तो है ना, छोटे छोटी छोटी बातें पकड़ रहा है तू, सब पास एक नंबर। ये बात इसने बहुत फतेह की गई है, क्योंकि मेरे को भी कमेंट आते हैं कि भाई हमारे पास मिक्सर नहीं है तो क्या करें हम। भाई जिनके पास है अच्छी बात है, और जो लेंगे जिनके मतलब बजट है वो ले सकते हैं, और जो नहीं ले सकते वो मैं बताता हूँ। कुकर केले छील ले, एक ले लो चाकू, ठीक है ना, और छोटे छोटे स्लाइसेस कर ले। भाई स्लाइसेस कर ले छोटे छोटे, तो ठीक है भाई ये हो गए तेरे स्लाइसेस। अब ले अपना दिशानो। भाई अपना दिशानो फेवरेट है भाई अपना, ले शुरू कर। चार चम्मच खाने हैं। कितने देर हो गए दिशानो खाते? भाई पूरा एक साल हो गया। अच्छा जी, ये अपना फेवरेट फ्लेवर है क्रंची। तो इसमें सबसे बड़ी मेन वेरिएंट अनस्वीटेड है। और चॉकलेट वाला खाया तूने? एक चॉकलेट वाला अगर खा लेना भाई तो मजा आ जाएगा। सेट है, चार चम्मच डालने पूरे, ठीक है, सेट कर दे। और जो मेरे भाई पतले है ना, इतने तो दो चम्मच ही बहुत है, तो तूने भर भर के डाल रहा है भाई। फिर मैं ऐसे ही खाता हूँ ना। नहीं नहीं दो बहुत है भाई, ये बस दो, एक और सेट हो जाएगा मैम, बस एक और बस। अब पूरे पे ना फेंट ले इसको, जैसे फेंटते हैं ना पूरे पे, बस चम्मच यहीं रख ले। थोड़े छोड़ने वाला अब इसको ना, पहले फेंट तो लेता, पहले खा जा रखा हुआ, पहले तेरे भी ना खाने की लगी रहती है जब देखो, पहले काम कर लिया बाद में खा ले, खाएंगे बाद में, लेकिन पहले काम, ठीक है ना, आगे से पहले काम बाद में खाना। अभी हो गया सेट, ठीक है। तो जिन मेरे भाई के पास मिक्सर नहीं है ना, ये हो गया अपना सेट, ठीक है। अब इसको खा ले आराम से, और इसके ऊपर फिर एक गिलास अपना दूध मिल्क, ठीक है ना, और टेस्ट पता कैसा आएगा। मैं तो भाई अभी खा लेता था पहले, अब तो अपना आदित्य ना वीडियो में समझ पा रहा है, जैसी वीडियो कट होगी ना सारा तुरंत लपेट जाएगा। बिफोर आफ्टर करके दिखा देंगे, मतलब मेरे से छोड़ेगा भी नहीं, मेरे को भी दे। तो ये लेना आपको, मतलब दिन में दो टाइम, दिन में दो बार आपको चेंजेस दिखेंगे। और दूध आधा पिला, आधा मैं पीऊँगा। ये खाने के बाद अपना दूध जबरदस्त वेट गेन होगा, ठीक है, और आधे डाउट आपके क्लियर कर दिए जो तो वीडियो में थे, कि भाई बॉडी बनेगी नहीं बनेगी। भाई 100% बनेगी, आप मेहनत करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।